नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का, सभी भाई बहनों का, सभी दोस्तों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकादमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके सामने भूगोल विषय के साथ हाजिर हूँ और भूगोल विषय में हम आपको लौह और खनिज के कहाँ कहाँ खाने हैं, पूरे भारत में लौह और खनिज ऐसी कहाँ कहाँ खाने हैं, जैसे लोहे की खाने, तांबे की खाने, शीशे, जस्ते, हीरे की खाने, सारी खानों को मैंने आज इकट्ठा लिख दिया है। जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उसके अलावा भी बहुत सारी हैं, मैं फिर लिखूंगा। मैं इन सब को आपको समझाते चलूंगा किस किस प्रदेश में कौन कौन सी खाने हैं जो कि हर परीक्षा में पूछा जाता है, वनडे से लेकर के PCS स्तर तक हर परीक्षा में पूछा जाता है। बड़े एग्जामों में ये सुमेलित करने के लिए आता है। साथियों, असल में रोड के किनारे होने के कारण शोर शराबा होता है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ आप सभी लोगों से। तो मैं कह रहा था कि जो है बड़े एग्जामों में ये सुमेलित करने के लिए आता है, चार चार दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कौन इसमें से गलत है या कौन इसमें से सही है या सुमेलित कीजिए। लेकिन वनडे एग्जामों में एक एक पूछा जाता है, आ जाता है, नाम दे दिया जाता है कि कोलार जो खान है वो किस प्रदेश में है, ऐसे पूछ लिया जाता है। पन्ना खान किस प्रदेश में है, पन्ना हीरे की खान है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जितनी भी खाने हैं पूरे भारत में जितनी भी खाने हैं, चाहे वो शीशे की खाने हों, चाहे हीरे की खाने हों, चाहे लोहे की खाने हों, या तांबे की खाने हों, जस्ते की तांबे हों, सारी खाने मैं आपको बताऊंगा। इकट्ठा मैंने लिख दिया है इसीलिए कि आप सभी लोगों को याद हो जाए। तो आइए देखते हैं। साथियों, हम शुरुआत करते हैं लोहे की खान से। पूरे भारत में कहां कहां मुख्य लोहे की खाने हैं देखिए। डल्ली राजहरा और बैला डीला छत्तीसगढ़ की, ये दोनों खाने हैं लोहे की खाने हैं छत्तीसगढ़ की। कौन कौन सी हैं? बैला डीला और डल्ली राजहरा, ये छत्तीसगढ़ की खाने हैं लोहे की खाने। उड़ीसा में भी दो पहाड़ियों पर खाने हैं देखिए, गुरु माहिसानी पहाड़ी और बादाम पहाड़ी। ये उड़ीसा में है दोनों, उड़ीसा में ये भी लोहे की खाने हैं। तो आपके पेपर में या परीक्षा में कहीं भी किसी भी नाम से पूछ लेगा, जो आप लोगों ने अगर पढ़ा हुआ है तो सही करेंगे, नहीं पढ़ा है तो ये लगेगा कि ये नाम ही हमने नहीं सुना है आज तक, ऐसा ही होता है। देखिए, गुरु माहिसानी पहाड़ी और बादाम पहाड़ी दोनों उड़ीसा में है, लोहे की खाने हैं। उसके बाद बाराम जादा समूह, ये एक पहाड़ी है, समूह है, पहाड़ियों का समूह है जो तीन राज्यों में फैला हुआ है। तो ये उड़ीसा के केंदुझर जिले में इसका कुछ हिस्सा है और वही खाने पाई जाती है, बाराम जादा समूह पहाड़ी पर खाने पाई जाती है। किसकी? लोहे की खाने। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ये सिर्फ लोहे की खाने अभी हम बता रहे हैं, इसके बाद आपको हम अलग अलग प्रकार के खाने बताएंगे, तांबे की, हीरे की, सोने की, इकट्ठा लिख लिख के किस किस राज्य में कितनी कितनी खाने हैं। बाबा बुदान पहाड़ी है ये, फिर कुद्रेमुख और संदूर पहाड़ी, ये तीन की तीनों कर्नाटक में है। बाबा बुदान पहाड़ी, कुद्रेमुख और संदूर पहाड़ी, ये तीन की तीनों कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है, पेपर में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप सभी लोगों से ये मेरी अपील है, ये मेरी गुजारिश है, निवेदन है मेरा कि बहुत ही धैर्य पूर्वक वीडियो देखें और कॉपी और पेन लेके बैठें, नोट्स भी बनाते रहें। तो बाबा बुदान पहाड़ी, कुद्रेमुख और संदूर पहाड़ी, ये तीनों कर्नाटक में है, जो तीनों लोहे की खान है। फिर नोवामुंडी झारखंड में है, ये भी लोहे की खान है, नोवामुंडी झारखंड में है, लोहे की खान है। फिर दामोदर श्रेणी, ये पर्वत श्रेणी है, पश्चिम बंगाल की है, ये भी एक लोहे की खान है, यहाँ भी दामोदर श्रेणी पर पूछ लिया जाए दामोदर श्रेणी लोहे की खान कहाँ पर है, दामोदर पर्वत श्रेणी लोहे की खान कहाँ पर है,
आपसे पूछ लिया जाए, चार विकल्प दे दिया जाए, तो जब आप पढ़े रहेंगे तो कह देंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल लगा देंगे, सही हो जाएगा, नहीं तो गलत करके चले आएंगे। फिर महाराष्ट्र जिले में, सॉरी महाराष्ट्र राज्य में एक भंडारा जिला है, महाराष्ट्र राज्य में एक भंडारा जिला है, वहां भी एक लोहे की खान है, ठीक है। तो ये सब लोहे की खाने थी। और एक चीज और मैं बता दूं आप सभी को, लोहा में सबसे अच्छा प्रकार का लोहा मैग्नेटाइट को माना जाता है। अब मैग्नेटाइट की यानी कि अच्छे लोहे की खाने कहाँ कहाँ पर है ये भी देख लीजिए, अच्छे लोहे की जो खाने हैं वो कहाँ कहाँ पर है। एक तो कुद्रेमुख हो गया, जहाँ ये मैग्नेटाइट की खाने हम बता रहे हैं, मैग्नेटाइट की खाने हैं ये तो सभी लोहे की खाने इकट्ठा हमने लिख दिया है कि उड़ीसा में कितनी खाने हैं, कर्नाटक में कितनी है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कितनी कितनी खाने हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटाइट लोहे के बारे में बताया गया है कि मैग्नेटाइट जो एक अच्छे प्रकार का लोहा है उसकी खाने कहाँ पर हैं। कुद्रेमुख हो गया कर्नाटक में, सलेम हो गया तमिलनाडु में, कोझिकोड हो गया केरल में और गोवा में, ये चार जगह मैग्नेटाइट लोहे की खाने हैं। तो मैग्नेटाइट लोहे की खाने हो गई, और उसके साथ साथ लोहे की खाने भारत में मुख्य रूप से प्रमुख रूप से कहाँ कहाँ पाई जाती है वो हमने बताया आपको, देख लीजिए, दिख रहा है साथियों कि नहीं। हाँ, अब हम आपको बताएंगे तांबे की खाने, लोहा के बाद तांबे की खाने बताएंगे आपको, कहाँ कहाँ भारत में तांबे की खाने, देख लीजिए। मलाज खंड, बालाघाट एक पहाड़ी है, मलाज खंड वहां पर एक स्थान है, बालाघाट एक जिला है, जिला बालाघाट एक जिला है और इस जिले में एक स्थान है मलाज खंड। तो मलाज खंड कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, मलाज खंड कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में तांबे की एक खान है, कहाँ है, मलाज खंड में है, और मलाज खंड कहाँ है, बालाघाट जिले में है, समझ गए आप। तांबे की एक खान है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में तांबे की एक खान है, मध्य प्रदेश में एमपी, मध्य प्रदेश में तांबे की एक खान है बालाघाट जिले में, और उस जिले में एक स्थान है मलाज खंड। तो मलाज खंड के स्थान नामक स्थान पर, मलाज खंड नामक स्थान पर बालाघाट जिले में मध्य प्रदेश में एक तांबे की खान है। अब आगे चलते हैं, राजस्थान में दो खाने हैं तांबे की, एक तो खेतड़ी हो गया और एक खोदरीबा हो गया, खेतड़ी और खोदरीबा ये राजस्थान में है, खेतड़ी और खोदरीबा। जो खेतड़ी है ये झुंझुनू जिले में है, खेतड़ी जो है वो राजस्थान में ही है, ऐसा नहीं कि कहीं और है, राजस्थान में ही है लेकिन झुंझुनू जिले में है, झुंझुनू जिले में खेतड़ी है। और वहीं पर अगर खोदरीबा की बात करें तो खोदरीबा अलवर जिले में है, अलवर जिले में, अलवर जिले में खोदरीबा है और झुंझुनू जिले में खेतड़ी है, और दोनों के दोनों राजस्थान में है, और दोनों के दोनों एक तांबे की खाने हैं, ठीक है। वहीं पर आगे चलते हैं, मोसाबानी झारखंड में है, ये भी एक ताने की खान, तांबे की खान है, तांबे की खान है मोसाबानी। तो ये चीज आप लिखते भी चलिए, मेरा तो यही आपको मशवरा रहेगा कि आप लिखते भी चलिए। वहीं पर अगर देखा जाए तो सिक्किम में तीन तांबे की खाने हैं, सिक्किम में तीन तांबे की खाने हैं, पहला है भूटांग, दूसरा पांचे खानी और तीसरा रंगपो। भूटांग, पांचे खानी, रंगपो, तीन चार बार कहेंगे याद हो जाएगा, भूटांग पांचे खानी रंगपो, भूटांग पांचे खानी रंगपो, भूटांग पांचे खानी रंगपो, कहाँ है, सिक्किम में। तांबे की खाने है ये, ठीक, तांबे की खाने हो गई। सोने की खाने की खानों की अगर बात की जाए तो सोना वैसे भी भारत में उतना ज्यादा नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी खाने हैं, खाने हैं, मैं आपको बताऊंगा सोने की खान। आपने कोलार हट्टी का नाम सुना होगा, कर्नाटक में है, ये सोने की खान है, कोलार और हट्टी सोने की खाने हैं, कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है। फिर वहीं पर रामगिरी पहाड़ी है, रामगिरी पहाड़ी जो आंध्र प्रदेश में है, यहां भी सोने की खान है। उसके बाद में राम गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश में बहती है, उसके बालू के कणों में, राम गंगा नदी के बालू के कणों में सोने के अयस्क पाए जाते हैं, राम गंगा नदी के बालू के कणों में सोने के अयस्क पाए जाते हैं। खानों की बात हम कर रहे हैं, कहां पाया गया थोड़ा बहुत उससे नहीं मतलब है, खान की बात हम कर रहे हैं। अब थोड़ा बहुत कहीं पे पाया गया है
जैसे कि जो है अभी हाल ही में आपने सुनने में आया होगा आपके कि जो है सोनभद्र में भी सुनने में आया है, पाया गया है, पिछले साल ही सुनने में आया था कि सोना पाया गया है वहां पे। खैर, जो सोने की खाने हैं उन खानों के बारे में ये है। कोलार हट्टी जो पेपर में पूछा भी जाता है, पेपर में जो पूछा जाता है आप उन्हीं को याद करिए, अनर्गल चीजों को आप ना पढ़ें। कोलार हट्टी की खाने कर्नाटक में, रामगिरी आंध्र प्रदेश में, राम गंगा नदी के जो है बालू के कणों में सोने के अयस्क पाए जाते हैं। तो क्या हो गया आपका, लोहा हो गया, तांबा हो गया और सोना हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। मैग्नीज पर मैग्नीज की खाने कहां कहां पर हैं देख लेते हैं। महाराष्ट्र में जिला एक स्थान है भंडारा, यहां पर एक खान है, मैग्नीज की खान है। पूछा जा सकता है आपसे पेपर में कि भंडारा जो मैग्नीज की खान है कहां पर है, या सुमेलित करने के लिए आ सकता है। तो मैं सारी चीजों को इसीलिए लिख रहा हूं, मैं मैग्नीज के खानों को बता रहा हूं। मैग्नीज के खानों को मैं बता रहा हूं आपको। तो हमने बताया कि महाराष्ट्र में जो भंडारा नामक स्थान है या जिला है वहां पर मैग्नीज की खान है। उसके बाद में श्रीकाकुलम एक स्थान है, श्रीकाकुलम ये कहां पर है, श्रीकाकुलम तमिलनाडु यहां भी मैग्नीज की खान है यहां भी। ये फिर से हम लिख दे रहे हैं, मैग्नीज के खानों से संबंधित बातें हम अब कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य में भंडारा नामक जिला या भंडारा नामक स्थान पर मैग्नीज की खान है, और श्रीकाकुलम जो तमिलनाडु में है वो भी एक मैग्नीज की खान है। उसी के साथ साथ बालाघाट ये कहाँ है, मध्य प्रदेश। बालाघाट मध्य प्रदेश में ये भी मैग्नीज की खान है। तीन हो गया। इसी के साथ साथ कालाहांडी ये भी ये उड़ीसा में ये भी मैग्नीज की खान है। इस तरह से आपके मैग्नीज की खानों को पता चल गया। इकट्ठे मैंने लिखा है, मैग्नीज की खान इकट्ठे, तांबे की खान इकट्ठे, सोने की खान इकट्ठे और लोहे की खान इकट्ठे। इस तरह से आपको याद करने में थोड़ी आसानी मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नीज की खान के बाद में हम बात करेंगे शीशे की खान, जस्ते की खान, शीशा के बारे में अगर हम बात करें तो शीशे की भी खाने हैं दो चार जगह भारत में। पूरे भारत की बात हो रही है, भारत में शीशे की भी खाने हैं। कहां है, जावर कहां है, उदयपुर जिला
उदयपुर जिला कहाँ पे है? उदयपुर जिला कहाँ पे है? उदयपुर जिला राजस्थान में है। एक मिनट सर, एक्चुअली कोई मोटर गाड़ी जाती है जब तो शोर शराबा होने लगता है, तो वीडियो मुझे रोक देना पड़ता है, नहीं तो शोर शराबा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जावर कहाँ है? उदयपुर जिला। और उदयपुर जिला कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान यहाँ पर क्या है? शीशे की खान है, शीशे की खान जावर में। अब खान की बात हम कर रहे हैं तो आप जावर याद रखेंगे, जावर ये खान है, लेकिन ये है कहाँ पे? उदयपुर जिले में है, यानी कि राजस्थान में। ठीक है, जावर हो गया। उसके बाद रामपुर अबूचा, एक और हो गया रामपुर, रामपुर अबूचा ये भी खान है, शीशे की खान रामपुर अबूचा एक्चुअली है कहाँ पे, एक बार देख लेते हैं। ये भी राजस्थान में ही है, रामपुर अबूचा राजस्थान। तो शीशे की दो खाने हो गई, एक जावर हो गया और एक रामपुर अबूचा हो गया। अब सिक्किम में भी शीशे की खाने हैं, सिक्किम में शीशे की खाने हैं दो तीन, उनका नाम लिख लीजिए। घोटांग और पांचे खानी ये दोनों शीशे की खाने हैं। तो शीशे की खानों में अगर हम देखें शुरू से, तो एक जावर हो गया राजस्थान, रामपुर अबूचा राजस्थान, सिक्किम में फिर देखिए घोटांग सिक्किम और पांचे खानी सिक्किम, ये शीशे की खाने हैं, शीशे की खान हो गई। अब यूरेनियम देख लेते हैं, यूरेनियम 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 की बात करें तो जादूगुड़ा आपने सुना ही होगा, जादूगुड़ा और बगजाता, जादूगुड़ा और बगजाता, जादूगुड़ा और बगजाता ये यूरेनियम की खाने हैं। यूरेनियम ये है कहां पे? देखिए जादूगुड़ा और बगजाता ये है कहां पे? ये दोनों के दोनों झारखंड में है, झारखंड। जादूगुड़ा और बगजाता ये दोनों यूरेनियम के खाने हैं और दोनों झारखंड में है। ठीक है, इसके बाद हम बताएं आपको महाडस्क महाडस्क, जो महाडस्क है वो एक पहाड़ी पर है, एक पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है? खासी पहाड़ी मेघालय में है, मेघालय में खासी पहाड़ी है। और उस खासी पहाड़ी पर एक महाडस्क नामक स्थान है, तो उस स्थान पर यूरेनियम की खान है, यूरेनियम की खान। और कहां पर है? एक है तुम्मलापल्ली। ऐसे ऐसे नाम हैं कि आप विश्वास नहीं कर सकते कि ऐसा नाम भी हो सकता है। आप सारे नाम याद रखिए और नोट्स बना लीजिए। क्या है? तुम्मलापल्ली ये कहां है? ये है आंध्र प्रदेश में। यहां भी यूरेनियम की खान है, यूरेनियम की खान।
तो कितनी हो गई? जादूगुड़ा बगजाता दोनों झारखंड में है, महाडस मेघालय में है खासी पहाड़ियों पर, तीन हो गए। तुम्मलापल्ली आंध्र प्रदेश में है, यूरेनियम की खान है, चार हो गए। तो ये हो गए यूरेनियम की खान। अब बात करें थोरियम की खान, क्योंकि हम लौह और खनिज पढ़ा रहे हैं तो ये सब खनिज में आते हैं। अब थोरियम की बात हम करते हैं, थोरियम कहाँ कहाँ थोरियम की खाने, क्योंकि थोरियम और यूरेनियम और हीरे और सोने जैसी खाने कम ही मिलती हैं भारत में, इसलिए जो भी हैं जहाँ भी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उनको ध्यान में रखिए। थोरियम थोरियम की खानों की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि भारत के बिल्कुल एकदम तट पर है केरल, और केरल के भी तटवर्ती भागों में, केरल के भी तटवर्ती भागों में, केरल के तटवर्ती भागों में, तटवर्ती भागों में थोरियम पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है, पाया जाता है। एक तो यह हो गया केरल के तटवर्ती भागों में थोरियम पाया जाता है। फिर और कहां, एक स्थान और भी है जहां थोरियम मिलता है, नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्रों पर, क्षेत्रों में नीलगिरी पहाड़ी जो है उस पहाड़ी पर या उसके आसपास के क्षेत्रों में थोरियम पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है, पाया जाता है। तो ये थोरियम की खाने हो गई। अब हम बॉक्साइट की अगर बात करें, बॉक्साइट की मैं मिटाना पड़ता है साथियों, इसलिए कि और भी लिखना है मुझे तो इसलिए मिटाना पड़ता है। आप लोग वीडियो एक दो बार तीन बार देखेंगे तो सारी खाने आपको तैयार हो जाएंगी। बॉक्साइट, बॉक्साइट की खानों में जो है रांची, पलामू, लोहरदगा, रांची, पलामू, लोहरदगा, ये तीन स्थान हैं जहां पर बॉक्साइट पाया जाता है। और ये तीन के तीनों स्थान कहां पर हैं, कोई बता सकता है? तीन के तीनों स्थान झारखंड में है, ठीक है, झारखंड, झारखंड। और यहां पर कौन क्या चीज पाई जाती है, बॉक्साइट की खाने हैं, बॉक्साइट खान। कहां कहां झारखंड में तीन स्थानों पर, रांची, पलामू और रोहरदगा, झारखंड में तीन स्थानों पर, झारखंड में तीन स्थानों पर रांची, पलामू और रोहरदगा। और भी जो बॉक्साइट की कुछ खाने हैं वो कहां पर हैं, आप नाम सुने होंगे अमरकंटक पहाड़ी का, अमरकंटक, अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी, ये कहां पे है अमरकंटक पहाड़ी, तो ये तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, यहां पर भी बॉक्साइट पाया जाता है, बॉक्साइट की खान, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एक जगह और पाया जाता है, पालिनी, जावादी और शेवाराय, पालिनी, जावादी और शेवाराय की पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां हैं, तीन के तीनों पहाड़ियां हैं।
पालिनी, जावादी और शेवाराय, तीनों पहाड़ियां हैं तमिलनाडु की। ठीक है, तमिलनाडु की पहाड़ियां हैं पालिनी, जावादी और शेवाराय। ये तीन के तीनों पहाड़ियां, ये पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां पहाड़ियां, ये तीनों पहाड़ियां कहां हैं? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ये तीनों पहाड़ियां तमिलनाडु में हैं। और तमिलनाडु में होने की वजह से इनको कहा जाएगा कि पालिनी हो चाहे जावादी हो चाहे शेवाराय हो, तीनों पहाड़ियां तमिलनाडु की हैं। तो ये तीनों तमिलनाडु में ही पाए जाते हैं। और यहाँ पर कौन सा खान है? बॉक्साइट का, बॉक्साइट का, बॉक्साइट खान, बॉक्साइट खान। जिस तरह से झारखंड में तीन स्थानों पर मिलता था, उसी तरह से तमिलनाडु में तीनों पहाड़ियों पर बॉक्साइट की खाने पाई जाती हैं। कोरापुट एक स्थान है, कोरापुट, 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 यहां भी पाई जाती है बॉक्साइट की खान। ये उड़ीसा में है, उड़ीसा, बॉक्साइट, बॉक्साइट खान। तो ये बॉक्साइट की खाने थी। तांबे की हमने बता दी, सोने की बता दी, लोहे की बता दी, शीशे की बता दी, यूरेनियम की बता दी, थोरियम की बता दी, बॉक्साइट की बता दी। ठीक है, तो ये सब भारत में लौह अयस्क और खनिज के जो भी खाने हैं, कहाँ कहाँ खाने हैं, किस किस राज्य में, ये सब मैं एक जगह पर इसीलिए लिखा हूँ आप सभी लोगों के लिए। ढूंढ ढूंढ कर मैंने एक स्थान पर इसको लाया हूँ कि आप सभी लोग देख लें और आसानी से इसको समझ लें, आसानी से याद कर लें। और क्या बचा साथियों? और एक और बचा है, उसका नाम है जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम। पन्ना की एक खान है, पन्ना की खान है जो, उसमें वो हीरे की एक खान है, पन्ना हीरे की एक खान है। खैर, जिस जिप्सम के बारे में देखते हैं। हनुमानगढ़ पहाड़ी है एक, हनुमानगढ़, ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान। यहाँ पर जिप्सम का खान है, खान है यहाँ जिप्सम, जिप्सम की खान है हनुमानगढ़ पहाड़ी पर, हनुमानगढ़ नामक स्थान पर, राजस्थान में हनुमानगढ़ नामक स्थान पर जिप्सम की एक खान है। वहीं पर एक और खान है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में डोडा नामक स्थान पर, डोडा, डोडा नामक स्थान पर जम्मू J&K में जिप्सम की खान, जिप्सम की खान। तो इन सब स्थानों को लेकर के अगर सवाल पूछ लिया जाएगा तो आप लोग कहीं भटक न जाएं। इसलिए जितने भी खान हैं, अलग अलग खान हैं, चाहे वो जिप्सम का हो, लोहे का हो, सोने का हो, और जो है तांबे का हो, बॉक्साइट का हो, जस्ते का हो, सब मैंने एक जगह पर, जितना खान है जस्ते का वो एक जगह पर, लोहे का जितना खान है एक जगह पर, तांबे का जितना खान है एक जगह पर, सोने का जितना खान है एक जगह पर, ऐसे मैंने लिख दिया है और आपको समझा दिया है। अब आपकी आप एक नोट्स बना लीजिए और वहां पर लिख लीजिए। तो ये भारत में लौह एवं खनिज के जितने भी खान थे वो हमने आपको बता दिया। कुछ और हैं, एक दो मैं देख ले रहा हूं। हीरे की, जो सबसे महत्वपूर्ण है, हीरे की छूट रही थी, हीरे की खान, हीरे की खान, हीरे की खान वैसे कम ही है भारत में, लेकिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लीजिए हीरे की खान। एक है पन्ना, एक स्थान है पन्ना और एक है सतना, पन्ना और सतना, ये दो के दोनों कहां पर हैं?
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। हीरे की खान, हीरे की खान। हमने लिख दिया है पन्ना और सतना, मध्य प्रदेश में दो स्थान, पन्ना और सतना, दो के दोनों हीरे की खान। एक और है कुरनूल जिला, कहां पर है ये? आंध्र प्रदेश में है कुरनूल, कुरनूल जिला। ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। यहां पर भी कौन सी खान है? हीरे की खान, हीरे की खान। तो भूलिएगा नहीं साथियों, ये सब इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आज आपको बताए हैं कि किसी भी परीक्षा में आंख बंद करके दे सकते हैं, किसी भी परीक्षा में ये सब सारे क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। वहीं पर आपने सुना होगा एक बस्तर, बस्तर जिला सुना होगा, बस्तर जिला। बस्तर में कौन सी खान है? बस्तर में टिन की खान है, टिन की। बस्तर जिला कहाँ है? बस्तर जिला आपने नाम सुना होगा बस्तर जिले का। ये है कहाँ पे? ये है छत्तीसगढ़ में, बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे कौन सी खान है? यहाँ पे टिन की खान है, टिन की खान। ठीक, टिन की खान छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ में कहाँ पे? बस्तर जिले में। नाम सुना होगा आपने, बहुत ही मशहूर है, कई बार पेपर में भी आ जाता है और आया हुआ है पहले, सुमेलित करने के लिए पूछ लेता है, इसमें सुमेलित करिए, कह देता है इसमें से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, कह देता है इसमें से कौन सा सुमेलित है। तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं। और अगर हम बात करें अभ्रक, अभ्रक, अभ्रक की अगर हम बात करें, अभ्रक, तो आपने कोडरमा का नाम सुना होगा, कोडरमा। कहाँ है ये? ये अभ्रक जो है झारखंड में ही पाया जाता है ये, लेकिन ये एक स्थान, कोडरमा किस स्थान पे है? ये जो है हजारीबाग, हजारीबाग जो है, हजारीबाग एक जिला है, हजारीबाग, हजारीबाग एक जिला है, जिला। इसी जिले में एक स्थान है कोडरमा, यहां पर अभ्रक की एक खान पाई जाती है, और यह है कहां पे ये भी जान लीजिए, ये झारखंड में है, झारखंड, कोडरमा, हजारीबाग जिले में है कोडरमा नामक स्थान, और ये झारखंड में है। और कौन सा खान यहाँ पाया जाता है? अभ्रक का खान। तो इस तरह से मेरे ख्याल से लगभग सभी जितने भी खाने थी वो हमने आपको एक स्थान पर बता दिया साथियों। अब आप लोग दो तीन बार जब वीडियो देखेंगे तो सब आपको तैयार हो जाएगा, साथ में आप नोट्स भी बनाते चलिएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।